भारतीय जनता पार्टी के बाड़ी के पूर्व विधायक ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। जन आक्रोश रैली के दौरान बाड़ी के पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने वर्तमान में कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मनरेगा कर्मचारियों को लिया आड़े हाथ, मनरेगा कर्मचारियों की खुली पोल, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। मीडिया कर्मियों से की अपील, गुंडागर्दी हावी है। जिले में गुंडों को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई भय व डर। ठीक है सचिन, लोगों ने बताएं आज की जो रैली है उसका मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य यह है कि 3 वर्ष का जो काला समय काला निकल गया उसे लेके जन जन के साथ जो अन्याय हुए हैं, सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। 3 वर्ष गुजरने के बाद अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबको लेके हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय पूनिया साहब और ने आह्वान किया है कि भाई आप लोग जिले मुख्यालय पे जाएं, और इन्होंने जो वायदे किए थे अभी पूरा नहीं हुआ। लोगों से कही थी कि अपने युवा वर्ग जो ग्रेजुएट है सबको 3500 रुपये मासिक दिया करेंगे। 1 से 10 तक गिनती गिरने पर माननीय राहुल गांधी भी कह गए थे कि 1 से 10 तक गिनती गिनने, ये तब तक कर्ज माफ हो जाएगा, बिजली की दर नहीं बढ़ेंगी। इन तमाम मुद्दों को लेके ये जो है आक्रोश रैली निकाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धौलपुर के अंदर जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि पत्रकार बंधुओं को भी पता है, ऐसा पहली बार हुआ है और मैंने पहले भी कई बार आज 5,500 मजदूर के नाम से, नरेगा मजदूर के नाम से बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में 5,500 मजदूर रजिस्टरों में दिखाए मैट मुंशियों के द्वारा, जबकि 500 भी काम नहीं कर रहे हैं और सबका बंटवारा हो रहा है और वहाँ के MLA वहाँ के DDO वगैरह सब पैसा खा रहे हैं, ऊपर तक पैसा जाता है। बैठ के ठेकेदारी में अंदर बंटवारा होता है सब ठेकेदारों को, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे PWD का हो, चाहे PMGSY का कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी ठेका हो, 25% जब तक विधायक जी को नहीं मिलेंगे, कांग्रेसी जो भी विधायक हैं नहीं मिलेंगे तब तक किसी भी ठेके की कोई स्वीकृति नहीं होगी। वरना अपनी मर्जी से अगर कोई ठेकेदार ले गया तो उसकी इनकारी शुरू हो जाएगी। इस तरह से बंटवारा, गरीब मजदूरों का पैसा, विकास का पूरा पैसा, और हद तो तब हो गई कि बदले की भावना से हर कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमा बनाए जा रहे हैं। आम जनता त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। इन सब बातों को लेके जन की जो आक्रोश है उन सबके लिए आज ये तारीख तय की। माननीय अध्यक्ष महोदय से बात हुई, पूनिया जी से माननीय समन कुमार जी की, उन्होंने ये तय की। तय करने के बाद हमको सहयोग बनाया माननीय अशोक जी को, सोवादानी जी को। रमाकांत शर्मा, धौलपुर, राजस्थान, R9, भारत।